बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुनीर अहमद, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ट्विन जेड लाइन चार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलम चार्ट को डिस्कस किया था। लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए सेम जो स्टेप्स हैं वो कॉलम चार्ट के ही हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लाइन चार्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि लाइन चार्ट को हम कॉलम चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एनी टाइप ऑफ चार्ट को क्रिएट करने के बाद उसे फर्दर अनदर टाइप ऑफ चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट को क्रिएट करने के सेम स्टेप्स जो कॉलम चार्ट के हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाटा इंटर किया हुआ है एक्सेल शीट के अंदर, सेम एज इट इज हम डाटा इंटर करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और वहां से हम कॉलम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्दर उसकी सब टाइप को चूज करेंगे, तो उसके बाद एक्सेल जो है वो लाइन चार्ट को या कॉलम चार्ट को जो है वो क्रिएट कर देगा। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कि लाइन चार्ट को कॉलम चार्ट को हम लाइन चार्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्लिक चार्ट। सबसे पहले हम उस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिस चार्ट को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लाइन चार्ट के अंदर। फर्दर स्टेप टू में क्लिक डिजाइन टैब। किसी भी चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट टैब को क्लिक करते हैं, लेकिन एक टाइप के चार्ट को नेक्स्ट या फर्दर टाइप के चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम डिजाइन टैब को क्लिक करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने चार्ट को क्लिक करने के बाद या सिलेक्ट करने के बाद हमने डिजाइन टैब को क्लिक कर लिया। उसके बाद देखें स्टेप नंबर थ्री में क्लिक चार्ट या फिर रिक्वायर्ड चार्ट। जब हम डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स जो है चार्ट्स की वो डिस्प्ले हो जाएंगे कि आप किस चार्ट के अंदर जो है वो इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेप नंबर थ्री में क्लिक रिक्वायर्ड चार्ट मीन यहाँ पर हम लाइन चार्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिक्वायर्ड या फिर लाइन चार्ट, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइन चार्ट की कि लाइन चार्ट के अंदर हमें या लाइन चार्ट को कैसे इंसर्ट करना है या फिर कॉलम चार्ट को लाइन चार्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। इसी तरह स्टेप नंबर थ्री में फोर में हम क्या करेंगे क्लिक ओके। जब हम लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर फाइव में एक्सेल कन्वर्ट कॉलम चार्ट टू लाइन चार्ट। जैसे हमने ओके के ऊपर क्लिक किया तो एक्सेल जो है वो कन्वर्ट कर देगा कॉलम चार्ट को लाइन चार्ट के अंदर। इससे पहले ये वाला डाटा जो है हमें इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी जब कॉलम चार्ट हमने बनाया था तो उसके अंदर हमारे पास ये तमाम डाटा इंटर हुआ था जिसके जरिए या जिसको फॉलो करते हुए हमने कॉलम चार्ट को क्रिएट किया था। तो इसमें सेम इसी तरह यहाँ पर हमने लाइन चार्ट को इंसर्ट नहीं किया, बल्कि इंसर्ट किया है लेकिन उसको डाटा को फॉलो करते हुए हमने इंसर्ट नहीं किया, हमने कॉलम चार्ट को कन्वर्ट किया है लाइन चार्ट के अंदर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो लाइन चार्ट है इसको क्रिएट करने के भी सेम स्टेप्स जो कॉलम चार्ट के हैं उनको ही फॉलो करते हुए हम लाइन चार्ट को बना सकते हैं, या फिर हमारे पास पाई चार्ट है, बार चार्ट है या फिर एरिया चार्ट है। एनी टाइप्स ऑफ चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट टैब को चूज करते हैं और फर्दर टाइप्स जो हैं चार्ट्स की वो डिस्प्ले हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हम किसी भी टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने चार्ट को क्रिएट कर लेते हैं।
चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के जो डिफरेंट स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस चार्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं जिसको हमने कन्वर्ट करना है एनी फर्दर टाइप्स ऑफ चार्ट के अंदर। इसी तरह सेकंड में हमने देखा कि डिजाइन टैब को हमने चूज किया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि चार्ट को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब को चूज करते हैं और चार्ट को कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन टैब को चूज करते हैं। इसी तरह फिर स्टेप नंबर 3 में हमने रिक्वायर्ड चार्ट के ऊपर या फिर लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक किया। स्टेप नंबर 4 में हमने क्लिक किया ओके, और स्टेप नंबर 5 में एक्सेल कन्वर्ट कॉलम्स टू लाइन चार्ट। एक्सेल जो है वो कॉलम चार्ट से जो है वो कन्वर्ट कर देगा उसको लाइन चार्ट के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म हुआ। इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।